एसआई को मिली ज्ञान भाभी परिसर के सर्वे की इजाजत, हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर, वजू खाने को छोड़ पूरे परिसर का होगा सर्वे। ज्ञान भाभी परिसर के एसआई सर्वे के फैसले को मुस्लिम पक्ष दे सकता है चुनौती, वकीलों ने कहा ऑर्डर पढ़ने के बाद हाईकोर्ट का करेंगे रोक। मणिपुर के बहाने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा बर्खास्त, एबीपी न्यूज से बोले बयान पर कायम, राजस्थान में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। मणिपुर में हुई दरिंदगी को लेकर मॉनसून सत्र के दूसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा में हुआ जोरदार हंगामा, दोनों सदन 24 जुलाई तक के लिए स्थगित। सदन में हंगामे के बीच बोले राजनाथ सिंह, कहा हम मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं लेकिन कुछ दल हैं कि नहीं चाहते सदन में हो चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना, अनुराग बोले विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले। लोकसभा राज्यसभा में हुए हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कहा नारेबाजी से खत्म नहीं होगी समस्या। सदन में मणिपुर पर पीएम मोदी का बयान चाहता है विपक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा बाहर की बजाय पीएम मोदी को सदन में देना चाहिए था बयान। आम आदमी पार्टी ने मणिपुर सीएम को बर्खास्त करने की उठाई मांग, पीएम मोदी के पुराने ट्वीट को कोट करते हुए राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति शासन की भी मांग की। आम आदमी पार्टी के सांसद और पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह का मणिपुर घटना पर फूटा गुस्सा, बोले मणिपुर की घटना बहुत दुखद, पीएम मोदी को संसद में बयान देना चाहिए। मणिपुर की दरिंदगी पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा 2 महीने से मारकाट पहुंची है लेकिन पीएम ने 77 दिन में एक शब्द नहीं बोला। कोलकाता रैली में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मणिपुर मामले पर जताई संवेदना, बोली बीजेपी बेटी बचाओ कहती है लेकिन यहां तो बेटी जलाओ चल रहा है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में भी महिला को निर्वस्त्र करने का वीडियो वायरल, बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी घटना का जिक्र करते हुए फूट फूट कर रोए। महाराष्ट्र विधानसभा में भी गूंजा मणिपुर कांड, कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में उठाई चर्चा की मांग, स्पीकर बोले नियम के तहत उठाई जाए मांग। मणिपुर के एक दरिंदे का घर जलाया गया, सीएम बीरेंद्र सिंह ने कहा हर समाज में गुंडे हैं, हमारे विधायक और मंत्री इलाके में जाकर शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया मणिपुर मामले का संज्ञान, राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को चिट्ठी लिखकर 4 दिन में जवाब मांगा है। अगले हफ्ते मणिपुर के दौरे पर जा सकते हैं विपक्षी दल, सूत्रों के मुताबिक 24 जुलाई की बैठक के बाद दौरे की तारीख पर लिया जाएगा फैसला। मणिपुर में महिलाओं की दरिंदगी को लेकर देश भर में उबाल, गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक प्रोटेस्ट किया गया। शहीद दिवस पर कोलकाता की रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा, 2024 के चुनाव में जीतेगा भारत, हारेगी बीजेपी। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी चूक, आवास के पास हथियारबंद युवक गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में प्रियंका गांधी की हुंकार, महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश में प्रियंका की रैली पर शिवराज सिंह चौहान का प्रहार, कहा झूठे वादों से जनता को गुमराह ना करे कांग्रेस। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो, लोगों ने मुख्यमंत्री का फूलों से स्वागत किया। अखिलेश यादव से मिलने के लिए जालौन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए, जमकर धक्का मुक्की हुई, दिवंगत नेता इंद्रजीत यादव की श्रद्धांजलि सभा में अखिलेश पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव का बीएसपी प्रमुख मायावती पर हमला, कहा मायावती को बीजेपी में हो जाना चाहिए था शामिल। विपक्ष के चेहरे के सवाल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा प्रधानमंत्री के लिए कई चेहरे हैं उनके पास। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का नया शिगुफा, नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जाएंगे छत्तीसगढ़, बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, पिछले 1 महीने में 3रा छत्तीसगढ़ दौरा हो गया। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस, 4 अगस्त को अगली सुनवाई। पीएम मोदी से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति, दोनों नेताओं ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, यूपीआई स्वीकृति के लिए नेटवर्क टू नेटवर्क समझौता भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले श्रीलंका के प्रेसिडेंट, दोनों देश के हितों को लेकर चर्चा। एटीएस की पूछताछ के बाद एबीपी न्यूज से बोली सीमा हैदर, कहा पाकिस्तान वापस गई तो मार दी जाऊंगी, वहां मौत के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर का दावा, बोली मोहब्बत में भारत आई यही सच्चाई। पाकिस्तान में परिवार को लेकर सीमा हैदर का पहली बार खुलासा, कहा पाकिस्तान की सेना में कार्यरत है चाचा। सीमा हैदर ने भारतीय नागरिकता के लिए लगाई गुहार, राष्ट्रपति भवन भेजी गई सीमा की दया याचिका। मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वाले 4 आरोपी अब तक किए जा चुके हैं गिरफ्तार, सीएम बीरेंद्र सिंह ने फांसी दिलाने की कही बात। 11 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजे गए मणिपुर कांड के 4 आरोपी।
दिल्ली में लव जिहाद का मामला आया सामने। निहाल विहार इलाके में 15 साल की नाबालिग के साथ रेप, हिंदू नाम रखकर मुस्लिम युवक ने घिनौना काम किया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुए लैंडस्लाइड के बाद एक्टिव है एनडीआरएफ की टीम, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 22, गांव से दूर लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।